नागालैंड के चुमोके दिमा जिले के फेरिमा में मंगलवार रात अचानक आई बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई लोग लापता है। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के कारण लैंडस्लाइड भी हुआ है। राजधानी कोहिमा को दीमापुर से जोड़ने वाले NH-29 का एक हिस्सा पूरी तरह बह गया है। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा में बारिश के कारण बाढ़ से पिछले 7 दिनों में 64 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने बुधवार को छत्तीसगढ़, बिहार सहित 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।